तो भाई लोग, मैं फिर से आपको स्वागत करते हूँ मेरे नए क्लच क्लैंस के वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको लावालून के बारे में बताने जा रहा हूँ कि TH10 में कैसे अटैक किया जाता है और इसमें बैट स्पेल किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो यार, वीडियो देखने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बगल वाला बेल आइकन दबाओ और वीडियो को इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, हमारा यहाँ इसका बात करके TH10 में लावा लून कैसे किया जाता है फार्मिंग के लिए। अभी तो देखिए इवेंट्स भी आया है अपना हेस्टी बलून्स का, पर मैं यहाँ बैटी बलून बोलूँगा क्योंकि मैं बैट स्पेल यूज़ करूँगा हेस्ट स्पेल नहीं। और मैंने ये इवेंट आज ही कंप्लीट कर लिया है बूस्ट करके, और 4x बोनस भी आया जिसमें बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा लूट में लूट भरते जा रहा है, जैसे देख सकते मेरा एलेक्सर क्लैन कैसल का पूरा फुल भरा हुआ है। तो यार, यहाँ पर हम लावालून का बात करते हैं। लावालून में आपको अटैक्स में दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो यार देखो, मैंने आज ही किया था अटैक। तो देखो, सबसे पहला लावालून अटैक किया था, सबसे पहला का बेस भी देखो और उसका लूट भी देखो यार, मुझे कितना मिला था। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया 6 लावा हाउंड, 11 बलून्स, 2 मिनियन, 1 गॉबलिन, 2 रेज, 7 बैट स्पेल और स्टोन स्लैमर के अंदर मैंने लिया था लून्स बस। तो यहाँ पर से आप मेरा बेस देख सकते हैं, मेरा बेस नहीं सॉरी अपोनेंट का बेस देख सकते हैं। यहाँ पर उसका इन्फेर्नो और एक्सबो में एलेक्सर और डार्क एलेक्सर नहीं ढूंढता। देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या टूल, जो आपको ट्रूप्स मैंने बोला वो ट्रूप को यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो आपको। और मेरा प्रीवियस वीडियो भी जाके देखिए मेरे पेज में, और मैंने लिंक में भी दे दूँगा और आई बटन में अपने दे दूँगा। तो यार चलो, ये अटैक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपना पावर पोशन यूज़ किया क्योंकि मेरा लावा हाउंड लेवल 3 का नहीं था। और याद रखिए, लेवल 3 का लावा हाउंड से आप 3 स्टार मार सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने पहले क्वीन को डिप्लॉय किया बारबेरियन किंग को, ताकि तो आप फनल बन जाए। और 3 लावा हाउंड एक साइड से छोड़ा और दूसरा 3 लावा हाउंड एक साइड से छोड़ा, ताकि दोनों ग्रुप्स के लावा हाउंड दोनों रॉकेट में जाए और रेज स्पेल के ऊपर ही आप बैट स्पेल फेंकिए, तभी अच्छा काम करेगा। और विजार्ड टावर के सामने तो एकदम बैट स्पेल मत फेंकिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बैट स्पेल भी फेंक दिया और संग में मेरे लावा हॉन्ड भी है। यहाँ पर देखिए, मेरे लावा हॉन्ड अभी तक बचे हुए हैं। और स्टोन स्लैमर को आप डिप्लॉय मत कीजिएगा जल्दी, जब तक स्टोन स्लैमर खुद से डिस्ट्रॉय नहीं होता तब तक आप उसे कुछ छूएगा मत यार। स्टोन स्लैमर का पावर बहुत ज़्यादा है, सबसे अच्छा सीज मशीन मुझे वही लगता है स्टोन स्लैमर, इसका शक्ति बहुत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इजीली 3 स्टार ले लिया क्योंकि मुझे पता था कि 3 स्टार जाएगा, क्योंकि मेरा इतने सारे लावा हॉर्न भी बचे और बलून्स भी बचा है, उसका डिफेंस पे कुछ नहीं है। और देखो, मेरे पास एक मिनियन भी बचा हुआ है। तो यार यहाँ पर अटैक मेरा सक्सेसफुल था। अब मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना CC में ट्रूप्स लेके जाइए, बिना विदाउट ट्रूप्स मत जाइए और स्टोन स्लैमर के विदाउट तो मत ही जाइए यार। और यार, अगर मैं फिर से कह दूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बगल वाला बेल आइकन दबाओ और इस वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो इसलिए बोल रहा हूँ कर दो यार, प्लीज़ अभी कर दो, तो आप लोग भूल जाते हो। तो यहाँ पर हमें 3 स्टार मिल गया था इस बेस में, ईजिली 3 स्टार, इसको बोलते हैं ईजिली 3 स्टार बेस। और संग में देखिए हमें कितना अच्छा लूट मिला, लूट आपको डेड लूट चाहिए या डेड बेस चाहिए उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसके ऊपर से मैं लिंक में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, तो जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ मुझे 18 ट्रॉफीज मिला, 8 लाख गोल्ड मिला, 8 लाख एलिक्सर मिला और 4966 डार्क एलिक्सर मिला। चलिए वापस चल के आपको दूसरा डैक दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट कर लो ट्रूप्स, जैसे यहाँ पर ड्रैग बीडी और यहाँ पर देखते हैं हम लोग दूसरा अटैक अपना। ये अटैक देखिए, ये भी 3 स्टार अपना था, अपना 3 स्टार, हर ब्लेस अपना 3 स्टार नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ हो सकता है जो कि TH10 है। मैंने TH11 को भी किया लेकिन उसमें 3 स्टार नहीं हुआ। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इसका बेस भी पूरा फुल मैक्स है TH10 का, खाली वॉल्स को छोड़िए, यहाँ बलून का तो वॉल्स में कुछ काम नहीं, तो वॉल्स को छोड़िए, तो TH10 मैक्स बेस है ये। इसे भी अटैक करते तो देखिए कैसे किया मैंने अटैक, वही सेम तरीका आजमाऊँगा मैं। 2 ग्रुप्स का लावा हाउंड छोड़ूंगा कॉर्नर से रॉकेट्स में और
हाफ हाफ बलून भी दोनों साइड से छोड़ूंगा, एक मिनियन ड्रॉप करूंगा और स्टोन स्लैमर छोड़ना मत भूलिए। और सबसे पहले हीरोज को अपना डिप्लॉय कर लीजिए ताकि थोड़ा फनल बन जाए। तो यहाँ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से मैंने लावाउन छोड़ा और बलून्स भी छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर मैंने बैट स्पेल के ऊपर, रेज स्पेल के ऊपर ही बैट स्पेल डिप्लॉय कीजिए और विजार्ड के सामने तो बिल्कुल मत कीजिए यार। विजार्ड बैट्स लोग को धज्जी उड़ा देता है बैट्स लोग का, उसीलिए मत कीजिए। यहाँ देखिए मैंने स्टोन स्लैमर भी छोड़ दिया। स्टोन स्लैमर बहुत ही पावरफुल है यार। यहाँ देख सकते हो कि मेरा अटैक अभी बहुत अच्छा ही जा रहा है, लगभग अच्छा जा रहा है। और मेरे TH10 के बॉल के ऊपर भी 3 स्टार स्टडी भी बताया आपको, वो भी देख सकते हैं आप। कैसा वो भी लगा मुझे कमेंट करके बता सकती है। और मैं आपको बोलूँगा कमेंट में एक अच्छा कमेंट लिखिए और अपना नीचे पेटीएम नंबर दीजिए ताकि मैं आपको पेटीएम नंबर में कैशबैक दे सकूँ। तो यार लिखना, अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर स्टोन्स लेवल में बचा लून भी बचा है, बंडल ऑफ लून्स बचा हुआ है मेरा और हीरोज का एबिलिटी भी बचा हुआ है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मुझे 3 स्टार इजीली मिल गया। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अलग स्ट्रेटेजी TH10 फार्मिंग के लिए। अब मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा बताऊँ ताकि मैं बना सकूँ वो वीडियो। और कुछ इस वीडियो में सुधारना है तो वो भी बता दीजिए, सी मैं उसे और इम्प्रूव कर सकूँ। तो यहाँ हमें 3 स्टार भी मिल गया, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 स्टार हमें भी मिल गया। तो भाई लोग ये स्ट्रेटेजी बहुत ही मस्त है, मैंने खुद ट्राई किया, मुझे 100% रिजल्ट्स मिले इसके। तो यार इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना यार, और बगल वाला बेल आइकन भी दबाना। तो ये था हमारा आज का वीडियो यार। तो वीडियो होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना, बगल वाला बेल आइकन दबा देना और मेरे चैनल में पेज जाके देखना कि मैंने कौन सा वीडियो बनाया है, उसे भी लाइक कर देना। तो यार चलो बाय, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ। तब तक क्लैश ऑन X2 HH बीइंग्स और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो बाय।